देश में राफेल खरीद समझौते पर कांग्रेस के सुप्रीमो राहुल गांधी के हमलों से घिरी केंद्र की मोदी सरकार को इस मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आ जाने के बाद राहुल गांधी को घेरने का मौका मिल गया है। आज इस मुद्दे पर राहुल गांधी की टिप्पणी को लेकर भाजपा ने प्रदेश भर के साथ नीमच में भी धरना प्रदर्शन कर जनता को राफेल पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से अवगत कराए जाने के साथ ही राहुल गांधी पर देश की जनता को बरगलाने और झूठ फैलाने को लेकर राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंप राहुल गांधी को लोकसेवक पद से मुक्त किए जाने की मांग की। जबकि कांग्रेसी इस मामले में भाजपा नेताओं को सलाह दे रहे हैं कि वे राहुल जी के सवालों का जवाब प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीडिया के माध्यम से दें। हम सब जानते हैं राफेल जो एक युद्ध विमान है जिसको खरीदने के मामले में जो सौदा हुआ है उस सौदे को लेकर राहुल गांधी हमेशा असत्य बयानबाजी करते हैं, हमेशा झूठ बोलने का काम करते हैं। उनकी झूठ की मैं बात इसलिए कहूंगा, वो कभी आलू से सोना निकालते हैं, कभी किसानों की जो फैक्ट्री बोले मैं दवाई की फैक्ट्री लगाऊंगा उसमें किसान अपनी फसल बेच पाएंगे, कभी कभी वो इतने झूठ बोल जाते हैं कि देश की सुरक्षा को भी कटघरे में खड़ा कर देते हैं। हम सब जानते हैं कि वह राहुल गांधी जो हमेशा से ही इस प्रकार की बात करके और अपनी लोकप्रियता हासिल करना चाहते हैं, मगर हम सब जानते हैं उनकी बात की जनता हंसी उड़ाती है, जगह जगह उनकी बात को लेकर लोग चुटकुले बनाते हैं, मगर उस पप्पू को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। हम सब इस अवसर पर उनके कड़ी निंदा करते हैं कि राहुल बाबा तुम होश में आओ, आज सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले को लेकर क्लीन चिट दी है। हम जो भी आज यहाँ राफेल के मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी के विधायक और नेता धरने पे बैठे हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि इन धरनों की आवश्यकता नहीं है। ऑल इंडिया कांग्रेस ने और राहुल जी ने जो सवाल राफेल के माध्यम से मोदी जी से किए हैं, उनका प्रेस के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से जवाब दें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा।